तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली वी आर बैक और लास्ट वीडियो पे बहुत क्रेजी रिस्पांस मुझे मिला है और मुझे पता है उसके बाद मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया है। देखो उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है बेसिकली मेरे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद जो मैं बिज़ी रहा हूँ ना, बस तुम पूछो ही मत, मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। मतलब जिस दिन कोलैब आया है ना, ये एग्जैक्ट उसी दिन की वीडियो है आई थिंक, और उस दिन हुआ ये था कि मैं वीडियो पे पूरी तरह से काम नहीं कर सका क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल था, उसी दिन मेरा प्रैक्टिकल था और मैं प्रैक्टिकल के लिए गया और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ऐसा सीन हुआ कि प्रैक्टिकल नहीं लिया गया और मैं उसके बाद बहुत बुरे तरीके से फंसा रहा। मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। अब बेसिकली हम सीधे समन करने जा रहे हैं। मुझे पता है मैं रूबीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा था, डेडिकेटेड वीडियोज़ चल रही थी, मेरे ख्याल से मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी थी उसमें से और रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था, बहुत क्रेजी रिस्पांस मिला है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ऑल्दो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ले लिया, मुझे नहीं पता क्या रिस्पांस मिलेगा, बट आई थिंक सब कुछ अच्छा ही रहेगा। देखो अभी फ़िलहाल हम ये करने जा रहे हैं कि हम बेसिकली समन करते हैं, ठीक है ना। अकुमा आ चुका है, मैंने अभी रियू और ल्यूक के लिए समन नहीं किया है और चनली का मुझे पता था कि उसका जो दूसरा वर्जन है ना वो हमें दोनों बैनर्स में देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम सिंपल ये कर रहे हैं कि अकुमा के लिए समन करेंगे और एम बाइजन के लिए देखो ये है कि मिल जाता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक एसएस वर्जन में है और प्लस वो बिल्कुल बीएस वाली फील दे रहा है यार, सुपर क्रेजी करेक्टर है, बिल्कुल बीएस वाली फील दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि एसएस करेक्टर है ना तो उसके मेमोरीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अकुमा के साथ यार इस बार बहुत बुरा किया, मतलब जितने भी ये ईएक्स फाइटर्स हैं ना बहुत ही गलत किया। मतलब अब इनके साथ देखो तुम ना एसएस मेमोरी यूज़ कर सकते हो ना बीएस मेमोरी यूज़ कर सकते हो, लुक्स देख सकते हो यार, लुक्स बहुत क्रेजी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जो इनके साथ मेमोरी के साथ किया है ना बहुत गलत किया है, बस हमें बस इनकी मेमोरीज मिल जाए क्योंकि ना हम एसएस यूज़ कर सकते हैं ना बीएस मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, इनकी एक्चुअल मेमोरी ही हमें यूज़ करनी पड़ेगी। आई विश यार बस एटलीस्ट 3 स्टार तो हो जाए कुमा, एटलीस्ट हमें 3 स्टार चाहिए बस। तो लेट्स सी यार, शुरुआत देखो वैसी हुई है जैसी होती है हमारी ये शुरुआत हमेशा ऐसी होती है तो शुरुआत के ऊपर नहीं जाएंगे और इट्स ओके। आज मुझे पता नहीं बस टाइम मिल रहा है, मैं जैसे तैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद अपलोड कर दूँ, आज हो सकता मैं इसे अपलोड कर दूँ। बाकी लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं। लक ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, कार्ड में ट्राई कर लेते हैं। कार्ड में भी हमें अकुमा का कार्ड चाहिए और एटलीस्ट हमें देखो चनली का जो कार्ड है ना उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे ख्याल से हमें फ्री में ही मिल सकता है, लेकिन हमें अकुमा कार्ड चाहिए और एम बाइजन का कार्ड चाहिए, दोनों के 3 पीजीज चाहिए। इस बार जो इन्होंने कार्ड में किया है ना, कार्ड में भी इस बार इन्होंने बहुत गलत चीज़ की है। मतलब इस बार तुम जो कार्ड समन करोगे ना सेट, वो सीपी नहीं दे रहा, वो मतलब तुम्हें फाइनली एक पैसे आई विश किसी का 3 PG। ओह शिट यार, ये ऑप्शन है, ऑप्शन कार्ड है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन कार्ड सही है, लेकिन ये यार ये क्या देता है, ये मेरे ख्याल से स्टार लाइट वगैरह देता है, नहीं यार ये कार्ड इतना मज़ेदार नहीं है। मतलब सही है, ठीक है, लेकिन मुझे ऑप्शन कार्ड या सेट कार्ड में इंटरेस्ट नहीं है। देखो सेट कार्ड इस बार इन्होंने ये किया कि सीपी नहीं दे रहा, मतलब सेट कार्ड स्ट्रॉन्ग तो बहुत है लेकिन उसमें क्रिटिकल रेट क्रिटिकल डैमेज नहीं है, जैसे हमारे प्रीवियस 2 कोलैब में था ना, वो चीज़ नहीं है। तो तुम सीपी के लिए अगर समन कर रहे हो तो नहीं, इतना बेनिफिशियल नहीं है, कार्ड भी नहीं मिल रहा यार, क्या करें, करेक्टर के लिए समन करें। पहले ऐसा करते हैं करेक्टर के लिए करते हैं, देखते हैं, मतलब करेक्टर में नहीं मिला तो कार्ड पे कर लेंगे, कार्ड में नहीं मिला तो करेक्टर में, कुछ ना कुछ तो आज मिले एटलीस्ट। मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट यार एक करेक्टर तो मिल ही जाए। मेरे पास अभी बस चनली का जो EX वर्जन है ना बस वो है और उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें कुछ बात भी करेंगे अपन कार्ड्स को लेके, कार्ड सेट्स को लेके। यार ये रेड है, आई विश ये रेड है तो अब तो मिल जाए, अकुमा तो नहीं है, कोई टर्न हो जाए, अच्छा ठीक है। एम बाइजन मिल जाए बस वो काफ़ी है क्योंकि मैं उसे फिर एसएस मेमोरी दे दूंगा और उसके बाद नाइस ठीक है सही है। बट मुझे पता था एक तो मिल ही जाएगा, मतलब करेक्टर तो मिल ही जाएगी, बट
अच्छा, एम बाइजन और अकुमा और चैन ली का जो दूसरा वर्जन है वो एक टीयर में काम आएगा, और जो दूसरा टीयर है ना उसमें बेसिकली हमारा हमें ये काम आ सकती है, अगर मैंने ल्यूक और रियू के लिए समन नहीं किया तो मैं सोच रहा हूँ शायद समन करूँ ल्यूक और रियू के लिए, ऑल दो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा यार, देखते हैं। तो फिर यार वैसे हमें कुछ ही नहीं मिल रहा, सच बताऊँ तो मतलब कुछ भी खास नहीं मिल रहा, ना एम बाइजन मिल रहा है ना फिर हमें अकुमा मिल रहा है। लग ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा गाइस, लग बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, अगर ऐसे ही चलता ना फिर तो बस गए। कार्ड में समन करके देखते हैं यार, 3PG हाथ आ जाए, अकुमा और एम बाइजन का तो ज़रूरी ज़रूरी 3PG लेना ही है, उसके बगैर ये करेक्टर्स बेकार हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार फर्स्ट सिलेक्टर में ही मिल जाए, ओह नाइस एक बार फिर, और एग्जैक्ट तुमने देखा बिल्कुल वही कार्ड, ओह नाइस ठीक है, एम बाइजन का 3PG आ गया, गुड वेरी नाइस। चलो भाई मुझे लगता है कि 50% काम तो हो गया हमारा एक सिलेक्टर के अंदर, अगर हमें एक कार्ड मिल जाता दूसरा कार्ड हम फिर सिलेक्टर से ले सकते हैं ना, बट आई विश यार दोनों कार्ड मिल जाए प्लस सेट भी मिल जाए, मतलब फ्री में सब मिल जाए तो क्या ही बात है, मतलब फ्री तो नहीं है लेकिन एक सेट के अंदर मिल जाए, एक मतलब सिलेक्टर के अंदर मिल जाए तो। नहीं नहीं टर्न हुआ, ठीक है कुछ नहीं मिलेगा, तो इन्होंने हमें एक ऑप्शन दे दिया और एक हमें 3PG दे दिया, ऑल दो ऑप्शन मेरे किसी काम का नहीं है बट 3PG हाँ वो ज़रूरी है। इस बार मिल जाए यार रेड, इस बार रेड है, आई विश मिलना चाहिए, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है फिर करेक्टर के लिए ट्राई कर लेते हैं। यार अकुमा और बाइजन में से कोई एक तो दो, मतलब ठीक है सही है, इस बार रेड है, इस बार रेड है, नहीं 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 यार ये कुछ भी नहीं दे रहे ना, अकुमा दे रहे ना एम बाइजन दे रहे, इन्हें पता है ना कि अगर हमें ये मिल गया ना उसके बाद हम रुकेंगे ही नहीं, फौरन निकल जाएंगे पतली गली से। देखो एम बाइजन का मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि उसे तो SS जेनरिक मेमोरी दे सकते हैं ना, और अब इस बार तो SS जेनरिक मेमोरीज हम फार्म भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई हैं, मैंने फार्म करके रखी हुई हैं, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यार एम बाइसन मिल जाए तो वो सही रहेगा, और अकुमा के लिए तो ये है कि एग्जैक्ट तुम्हें मेमोरीज उसकी चाहिए, करेक्टर मेमोरीज तभी जाके सही रहे होगा, मतलब तुम उसे लेवल अप कर सकते हो, अदरवाइज तुम उसे अवेकन नहीं कर पाओगे, ना SS मेमोरी ना BS मेमोरी, कोई मेमोरी काम नहीं आएगी। वैसे सच बताऊँ तो मुझे ये बहुत बुरी चीज़ लगी है, मतलब इन्होंने हमें SS और BS जेनरिक मेमोरी फार्म करने के लिए तो दी लेकिन फिर इन्होंने जो है वो ख़त्म ही कर दिया चक्कर, लो नई करेक्टर्स आ गए और ये EX फाइटर्स हैं, इन पर ना SS मेमोरी चलने वाली है ना BS मेमोरी चलने वाली है, लो अब देखते हैं कार्ड या एक कार्ड और मिल जाए तो, कार्ड बैनर तो फिर क्लोज हो जाएगा, फिर मैं कार्ड बैनर के लिए समझ नहीं करूँगा, मतलब कार्ड्स के लिए समझ नहीं करूँगा कार्ड बैनर में, फिर जस्ट सिर्फ हम करेक्टर्स को टारगेट करेंगे। नहीं यार कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना कार्ड्स दे रहे हैं ना करेक्टर दे रहे हैं, चार ही क्या ही है ना कार्ड्स ना करेक्टर, पता नहीं क्या चाह रहे हैं यार। अच्छा अगर नॉइज़ आ रही हो ना बाहर की तो उसे इग्नोर करना, नॉइज़ देखो आते रहती हैं यार, फिर से कुछ नहीं दिया, इस बार भी कुछ नहीं मिला। अब मैं बताऊँ क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही अपडेट आता है ना तो ग्लिच भी आ जाता है, ग्लिच भी होता है बाज़ दफ़ा, तो ऐसे में बताऊँ क्या करना चाहिए, एक दो दफ़ा और देखते हैं समन करते हैं, नहीं तो फिर हम इसे ऐसा करते हैं रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर तुम्हें जैसे कुछ नहीं मिल रहा हो ना कंटिन्यूसली तो फिर समझ जाना कि वो तुम ग्लिच के अंदर फंसे हुए हो, मतलब ये एक हिंट भी है ये एक एडवाइस भी है, मतलब तुम्हें कि अगर तुम ऐसे फंसे हुए हो ना तो समझ जाना कि तुम किसी ग्लिच में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। देखो कंटिन्यूसली हम समझ कर रहे हैं और हमें ना अकुमा मिल रहा है ना बाइसन मिल रहा है ना एम बाइसन मिल रहा है, तो ऐसे में बताऊँ क्या, ये अभी अभी क्योंकि अपडेट आया है, मतलब ये जो एम बाइसन और अकुमा का जो बैनर है ना ये अभी अभी आया है, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे लग रहा है शायद हम किसी ग्लिच में फंसे हुए हैं, और इसमें ऐसी सिचुएशन के अंदर सारे रूबीज खर्च मत कर दो, मेरी मानो तो गेम को रीस्टार्ट करो, गेम को रीस्टार्ट करो
एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं लास्ट टाइम, अगर अब भी नहीं मिला ना फिर तो ऐसी की तैसी रेड है, क्योंकि रेड तो हो रहा है लेकिन रेड पे हमें फैस नहीं मिल रहा है। देखो रेड पे हमें फैस नहीं मिल रहा, ये चीज़ जो है ना इससे समझ जाया करा करो कि कोई ग्लिच है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया बेसिकली, और अब हम दोबारा से समन करने जा रहे हैं। अच्छा जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया ना इसे रीस्टार्ट किया, तो उसमें पता है क्या, वो एक छोटा सा अपडेट भी था फॉर बेटर एक्सपीरियंस, फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि जब फौरी तौर पे अपडेट आता है ना उस टाइम पे तुम मतलब समन नहीं किया करो, मैंने गलती करी है, मैंने एकदम मतलब उससे वो कहते हैं ना भाई रहा नहीं जाता, वो तड़प भी ऐसी है, वो ही वाली बात थी। लेकिन एट अ टाइम फ़ौरन नहीं करा करा करो। ये देखो सबमिट योर सेल्फ टू, ओ यस फाइनली, जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि अगर तुम देखो एकदम करते हो ना तो तुम फंस जाते हो, ये होता है। तो फौरन जो है ना मतलब नहीं करा करो, और थोड़ा सा इसको एक छोटा सा अपडेट हो रहा था उसे आने दिया करा करो। अब मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, और दूसरी वीडियो मतलब इसी का हम पार्ट टू बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं इसे बेसिकली डिवाइड कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय। अब देखते हैं कि कंटिन्यूसली हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा कि हम बेसिकली अकूमा मिल जाए या व्यू मिल जाए, अगर तुम्हें व्यू चाहिए तो देखते हैं। ओ ठीक है नाइस।